रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के श्रीराम रसिया धाम सिहोरा खुर्द में नागपंचमी के अवसर पर नाकों की अदालत लगती है। मान्यता है कि इस अदालत में आने वाला कोई भी इंसान बिना न्याय के वापस नहीं जाता। यह आयोजन हर साल होता है। इस दौरान सर्पदंश के पीड़ितों के शरीर में नागों की आत्मा करती है प्रवेश और उन्हें काटने का कारण बताया जाता है। यहाँ लोग नागों को जो लोग परेशान करते हैं या जो नाग द्वारा सताए जाते हैं वो आते हैं। इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आपको बता दें, ग्राम सिहोरा खुर्द में भगवान शिव और हनुमान के प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ नागदेव का चबूतरा भी है और हर साल नागपंचमी के मौके पर नागों की अदालत लगती है। भारी बारिश के बावजूद इस आयोजन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। इस बीच यहाँ शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। लोग परेशान होते रहे। आस्था है यहाँ से, स्नान आने लगे हमारे यहाँ पे, कट गए थे चक्कर में, तो जब से हम यहाँ से। पंडा जी के यहाँ आते हैं, पंडा जी उनके सताए हुए आते हैं तो उनके लिए पंडा जी बेल डाल देते हैं। बेल डालते हैं तो पंडा जी को बुलाते हैं राम रसिया के दरबार में। राम रसिया जी के दरबार में वो पकड़ते हैं कि ऐसे से ऐसा हुआ, इसने ये गलती करी थी, वजह से ऐसा ऐसा हो गया।